बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिडल कार व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टोयोटा करोला XLi गाड़ी लेके हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले गाड़ी की कंडीशन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं गाड़ी की चारों साइडें माशाल्लाह स्क्रैचलेस हैं और फ्रेश गाड़ी है। गाड़ी का जो कलर है ये वाइट है और ये 100% अपने जेन्युइन कलर में है। आप गाड़ी फ्रंट और बैक साइड से देखें, बहुत ही शानदार है। और बात करूं गाड़ी के इंटीरियर की तो इसमें आपको खूबसूरत ओरिजिनल साफ सुथरा इंटीरियर मिलेगा। आप गाड़ी की सीटें चेक करें, पोशिश हुई हुई हैं और गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये नीट एंड क्लीन और टोटली जेन्युइन है। और गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है ये माशाल्लाह बहुत ही फिट है। और गाड़ी का एक्सटीरियर भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। आप गाड़ी की साइडें देखें, किसी भी किस्म का आपको कहीं भी स्क्रैच और डेंटिंग नज़र नहीं आएगी। और गाड़ी की जो सीलें हैं तमाम ओरिजिनल हैं, कोई भी सील आपको टूटी हुई ख़राब नज़र नहीं आएगी। और रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये XLi लाहौर नंबर में है, 2011 मॉडल और 12 मॉडल की शेव है। फ्रंट बम्पर से लेके बैक बम्पर तक गाड़ी टोटली जेन्युइन है, किसी भी किस्म का कोई डेंट वगैरह नज़र नहीं आएगा आपको। और आप गाड़ी की बोनट की और डोर की सीलें चेक करें, बिल्कुल न्यू हैं। और गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो गाड़ी की जो प्राइस है ये 15,90,000 रुपये है। और आप गाड़ी का बोनट चेक करें, अंदर से सीलें देखें, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। और गाड़ी का इंजन परफेक्ट कंडीशन में है, बहुत अच्छी वर्किंग में है, किसी भी किस्म का आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और बात करूँ गाड़ी के टायरों की तो गाड़ी के जो टायर हैं ये न्यू हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी के लगे हुए हैं। दोस्तों, किसी भी गाड़ी ख़रीदने से पहले गाड़ी की अच्छी तरह विज़िट करें, गाड़ी को चेक करें, फिर गाड़ी ख़रीदेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी दोस्त को ये गाड़ी पसंद है, कोई इसे लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर का नंबर है, वहां से मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। गाड़ी के सस्पेंशन 100% ओके है, डॉक्यूमेंट फाइल में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।